इस सत्र की अध्यक्षता कर रही ब्रह्मवादिनी बहन सूर्या जी, मेरे से पूर्व आप जिनको सुन चुके हैं श्रद्धेय वरुण जी, और उनसे पूर्व सत्र की प्रारंभ में भजन जिनसे सुने श्रद्धेय पंडित नरेश दास जी, समादरणीय बंधुओं, वंदनीय माता और बहनों, आपने प्रचार पत्र देखा है जिसको पंपलेट कहते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हिंदी में बोलने का प्रयत्न करता हूँ। उसमें एक शब्द लिखा है कार्यशाला, देखा है ना, ये कार्यशाला है। और कार्यशाला है, इसके साथ साथ एक बात और, मेरे बारे में लगभग लोग जानते हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ इसलिए पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूँ। तो अब थोड़ी देर तक, 20 मिनट तक मैं आपके साथ अपनी कक्षा में पढ़ने के लिए बैठा हूँ। मुझे प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होता है और 5 दिन की पीएल भर करके आया हूँ, तो आधा समय तो पढ़ा ही रहूँ, कुछ अब और कुछ शाम को। तो अब अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और कार्यशाला है ये सोच करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और कार्यशाला में आज अपना विचारणीय विषय जिसको हमें पढ़ना है वो है यज्ञ क्या और क्यों। इससे पहले जो अध्यापक पढ़ा करके गया था उस समय पर मैं दूसरी कक्षा में पढ़ा रहा था, जो पढ़ाने वाले जानते हैं वो जानते हैं ना इस बात को, इसलिए उसने क्या पढ़ाया मुझे नहीं मालूम, आपने क्या पढ़ा ये भी मुझे नहीं मालूम। तो आपकी दृष्टि में हो सकता है कि मैं पिष्ट पेषण कर रहा हूँगा, क्योंकि ये तो वो गुरुजी पढ़ा गए थे फिर ये वापस वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में तो वो पिष्ट पेषण नहीं होगा ना। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा चूँकि मैंने सुन लिया है कि वो बात न दोहराई जाए। जितनी बातें आपने सुन ली उनको आप एक ही बार में दोहरा लीजिए। यज्ञ भोजन का नाम है, इसको इसलिए दोहराना है ताकि आगे वाला वाक्य चल पड़े। यज्ञ संगतीकरण का नाम है, किन्हीं दो से अधिक जितने हों आपके पास, व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो अथवा व्यक्ति और वस्तु, उनको मिला देने का नाम यज्ञ है। दो पदार्थों को मिला दीजिए, दो व्यक्तियों को मिला दीजिए, एक पदार्थ और एक व्यक्ति को मिला दीजिए, इस मेल का नाम यज्ञ है। मिलेंगे कैसे, जैसे चाहो वैसे मिल लो, नहीं बस इतना ही विचारना है, जैसे चाहें वैसे मिलने का नाम यज्ञ नहीं होगा। जैसे भोजन का नाम यज्ञ है लेकिन तरीके से करने का नाम यज्ञ है, बेतरतीब यदि भोजन किया गया है तो उसका नाम यज्ञ नहीं होगा। वैसे ही किसी भी पदार्थ को कैसे भी मिला दो तो यज्ञ नहीं होगा। यदि आपने दूध में नमक डाल दिया तो यज्ञ नहीं होगा, पदार्थ तो मिलाए हैं दो, चीनी डाल दो तो हो सकता है यज्ञ हो जाए। तो दो पदार्थों को मिलाना है, संगतीकरण करना है। वो जो संगतीकरण है वो संगतीकरण दो तरह से होगा, और उनमें उस संगतीकरण में दोनों चीजें अगर एक साथ दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वो यज्ञ है। पहली चीज उसमें दिखाई देनी चाहिए देव पूजा। जिन दो पदार्थों को मैं मिला रहा हूं, जिन दो व्यक्तियों को मैं मिला रहा हूं, एक व्यक्ति और एक पदार्थ को मिला रहा हूं, उसमें अगर देव पूजा नहीं हो रही है तो वो संगतीकरण, वो मिलान यज्ञ नहीं होगा। दूसरी चीज और उस संगतीकरण में होनी चाहिए, दान। जिन दो पदार्थों को मिलाया जा रहा है, जिन दो व्यक्तियों को मिलाया जा रहा है, एक पदार्थ और व्यक्ति को मिलाया जा रहा है, और उसमें यदि दान नाम की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है तो वो संगतीकरण नहीं हो रहा है। दोनों क्रियाएं हो रही होंगी, देव पूजा हो रही हो
और दान हो रहा हो, ऐसा जो संगतीकरण होगा उस संगतीकरण का नाम यज्ञ होगा। अब अपन इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं कि क्या संगतीकरण में ऐसा हो रहा है। बहुत मोटा सा उदाहरण, विद्यार्थियों के साथ जब बैठ करके पढ़ना होता है ना, तो एक बात बड़ी बढ़िया तरीके से ध्यान रखने योग्य होती है और वो पढ़ते 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 अपने आप समझ में आ जाती है कि हाँ ये बात ध्यान रखने की है। एक बच्चा ग्रामीण परिवेश से आया है, आज की भाषा में ग्रामीण परिवेश से आया व्यक्ति बिल्कुल बेकार। एक व्यक्ति शहरी परिवेश से आया है बहुत अच्छा, आज की भाषा की बात कर रहा हूँ, पुरानी की बात तो कर चुके हैं ना अपन, तो फिर उन दोनों के बीच के लिए कोई बात हो जो दोनों में समझ में आ जाए। परीक्षा दोनों को देनी होगी, पास दोनों को होना होगा, नहीं तो एक की समझ में आई तो अध्यापक फेल कि इनको कुछ नहीं आता है, क्या करते हैं। उदाहरण ऐसा जिससे लगे कि हाँ देव पूजा भी हो रही है और दान भी हो रहा है, तब समझो कि संगतीकरण हो रहा है और संगतीकरण यज्ञ बन रहा है। मुझे पिताजी से कुछ मांगना है, बहुत छोटा बालक हूं मैं, अभी मांगना नहीं जानता, इतना जानता हूं कि परि उपासते, बस केवल उपासना कर लूंगा, पिताजी के पास जाकर के थोड़ा इधर से उधर घूम लूंगा, पिताजी कुछ समझ जाएंगे, कुछ मैं कह दूंगा। मैं पिताजी के पास जाकर के खड़ा हो जाऊं, कुछ भी ना कहूं और थोड़ी देर बाद लौट करके आ जाऊं, संगतीकरण हुआ था क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब यज्ञ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यज्ञ? कि संगतीकरण ही पूरा नहीं हुआ, आगे की जो बात थी देव पूजा होना, तो पिताजी के पास जाकर के मैं प्रणाम कर दूं, मुझे कुछ नहीं मांगना, मांगना है वो तो मन में लेकर के चला जाऊं, लेकिन पिताजी को जाकर के प्रणाम कर दूं, तो मैंने पिताजी के साथ मिलते हुए संगतीकरण नाम का, संगतीकरण नाम की जो क्रिया की है वो देव पूजा में बदल गई। पितृदेवो भव, मैंने पिताजी की पूजा की, पिताजी की उपासना की, उनको प्रणाम किया, मेरी एक क्रिया संपन्न हो गई देव पूजा। तो संगतीकरण का एक अर्थ आधा काम पूरा हो गया। जिस वृद्ध महिला को मैं नहीं जानता, नहीं जानती, ये जानती शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि पुरुष वर्ग वृद्ध महिला को जरूरी नहीं है कि प्रणाम करेगा, लेकिन कोई महिला युवती अगर जा रही हो और कोई वृद्धा उसे मिल जाए, बिल्कुल अपरिचित, कोई लेना देना नहीं किसी भी तरह का, दोनों में से एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती हैं, फिर भी वो युवती चलते हुए उसको एक बार धोख देगी, प्रणाम करेगी। अच्छा, उसने प्रणाम किया वो भी नहीं जानती, जिसको प्रणाम किया वो भी नहीं जानती, अब वो जो जिसको प्रणाम किया गया वो वृद्ध महिला उससे क्या कहेगी? कार्यशाला है ये देखो कितनी बढ़िया बात, कोई लेना देना नहीं, मैं इसको जानती नहीं, जिसने मुझे धोख दी है, जिसने मुझे प्रणाम किया है, और वो वृद्ध महिला कह रही है उस युवती को, दूधो ना हो पूतो पलो। ये संगतीकरण उस युवती ने किया है जिसने पहले अपरिचित एक वृद्ध माँ को प्रणाम करके देव पूजा की है, और उस अपरिचित महिला ने संगतीकरण का परिणाम दिया है, क्या दिया है? दान दिया है, दूधो नाओ फूतो पलो। ये संगतीकरण यज्ञ में बदल गया, इस संगतीकरण का नाम यज्ञ है। मांगने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता देने की है। अब उल्टा करके देखते हैं इसी उदाहरण को, मैंने देव पूजा नहीं की, मैंने दान दिया है। जब मैं वृद्ध महिला को, अपने पिताजी को, अपने माताजी को प्रणाम कर रहा था, मैं देव पूजा नहीं कर रहा था, मैं अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का उनको दान दे रहा था, और वो देव पूजा कर रहे थे। जब वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे तो वो देव पूजा कर रहे थे,
अब उल्टापन लग रहा है, इसलिए चेहरे कुछ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर चेहरे पर प्रसन्नता आई है और दूसरे वाक्य को सुनकर के उदासीनता नहीं आई, तो इसका अर्थ यह है कि वाक्य अभी पूरा नहीं हो रहा है। वो जरूरी है, प्रश्नवाचक चिन्ह मस्तिष्क पर आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि अगर उत्तर नहीं मिला वाक्य पूरा होते हुए, तो फिर 2 तारीख का अंतिम सत्र बेकार हो जाएगा। शंका समाधान वाला है ना, वो उसके लिए जरूरी है। वो कैसे कर रहे हैं देव पूजा, अब मैं आपको उदाहरण उधर चल के ले चलता हूँ। यज्ञ के बारे में एक छोटा सा वाक्य, महर्षि दयानंद सरस्वती जब कार्य क्षेत्र में उतरे, उस समय पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और उनको जो दिखाई दे रहा था उनमें उन्हें 5 चीज़ें दिखाई दी। ऊपर से शुरू करता हूँ, जो सबसे पहले मोटे रूप में दिखाई दे जाएगी। उन्हें दिखाई दिया कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दुनिया के जितने प्राणी हैं उन सब के साथ अपना रिश्ता भूल गया। उन्होंने सोचा रिश्ता भूल गया, प्राणियों के साथ हानि तो हुई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई। फिर और थोड़ा सा सोचा, दुनिया को और देखा, दुनिया के पदार्थों के साथ भी रिश्ता भूल गया, प्राणियों के साथ भी रिश्ता भूल गया, पदार्थों के साथ भी रिश्ता भूल गया। फिर तीसरे नंबर पर आए, जिनको मैं मेहमान कहता हूँ, अतिथि कहता हूँ, वो प्राणी तो हैं लेकिन उन प्राणी और पदार्थों से थोड़ा सा अलग करके उनके साथ भी रिश्ता भूल गया। हानि तो प्रत्येक रिश्ते के साथ हो रही है और जितना समीप आते जा रहे हैं उतनी अधिक होती चली जा रही है। और फिर चौथे नंबर पर आए, जिनको मैं अपना माता पिता परिजन कह रहा हूँ, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो चाहे मेरे मामा हों अथवा मेरे पुत्र के मामा हों। ध्यान रखिए, वो अतिथि नहीं है, मेहमान नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार है, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। उनके साथ भी दुनिया का मनुष्य अपना रिश्ता भूल गया है। माता पिता ही है वो। और अंतिम, सोचते सोचते देखते देखते चिंतन करते हुए ऋषि जब ये पहुंचे तो उनको लगा मनुष्य जिसने ये सारी दुनिया बनाई उसके साथ और स्वयं के साथ अपना रिश्ता भूल गया है। अब बताइए दुनिया में बाकी क्या रह गया है, कुछ बचा है क्या? मुझे मैं ही याद नहीं हूं, भगवान याद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं, पर मुझे स्वयं को ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं अपने साथ ही अपना रिश्ता भूल गया हूं, तो फिर क्या लेना देना है दुनिया से। तो जिस उदाहरण को समझाना चाहता हूं, अंतिम वाक्य पर पहुंचता हूं, लौट करके आऊंगा, बात समय पूरा हो जाएगा, आगे वाला पाठ कल पढ़ लेंगे। कोर्स पूरा कराना उद्देश्य नहीं है, एक वाक्य समझ में आ जाए सारा वाक्य समझ में आ जाएगा। वल्वेश्व देव यज्ञ की चर्चा कर रहा हूं। वैसे प्रत्येक यज्ञ के 2 भाग होते हैं, वल्वेश्व देवी के यज्ञ के 2 भाग सरलता से दिखाई दे रहे हैं, एक बार आहुति देना और एक बार भाग निकाल देना। एक परिवार में यज्ञ करा रहा था, वल्वेश्व देव यज्ञ की प्रक्रिया पूरे करते हुए, और वो शहरी परिवेश के व्यक्ति थे, ये इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा और महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखते हुए ये लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, मेरे से पूर्ववर्ती जो ऋषि हैं उनकी बात लिख रहा हूँ, तो ऋषि जो कहते रहे मैं तो वो करा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। कि फिर आपको जब मालूम नहीं तो पंडित क्यों बन गए, क्यों करा रहे हो? मैंने कहा हाँ, ये बात मैं बता सकता हूँ, इसका उत्तर मैं बता सकता हूँ, मैं पंडित क्यों बन गया और क्यों करा रहा हूँ, क्या लाभ होगा ये बताना मेरा मुश्किल काम है। कि चलो यही बता दो, मैंने कहा ये बता देते हैं, आप कबूतरों को दाना क्यों डालने जाते हो ये बता दो मुझे। थोड़ी देर चुप रहा, मैंने कहा मैंने आपको देखा है कई बार कबूतरों को दाना डालते हुए, बस यूं ही
दादाजी कहते थे वो डालते थे इसलिए डाल रहा हूँ। मैंने कहा ये तरीका गलत है, इसलिए कि ऋषि ने कहा मैं करा रहा हूँ तो तरीका गलत है। तो फिर दादा कहते थे, दादा और ऋषि तो दोनों एक ही तो थे, जो दादा थे वही ऋषि थे, जो ऋषि थे वही दादा थे, तो आप भी वही कर रहे हो मैं भी वही कर रहा हूँ, फिर मेरी बात गलत और आपकी गलत सही, ये कैसे हो गया? थोड़ी देर चुप रहा। मैंने कहा चलिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ क्यों डालते हैं आप कबूतरों को दाना। अपने राजस्थान में अलवर एक जगह है, जिला है, जिला मुख्यालय है। अलवर में एक भर्तृहरि नाम का तीर्थ है, आप लोगों ने देखा हो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। मैं जो उदाहरण बताने चला हूँ प्रत्यक्ष दृष्ट प्रयोग है मेरा, मैं उसके बारे में ये नहीं कह रहा कि वहाँ लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, ये बात वहाँ देखी जा सकती है, करके करके देखी जा सकती है। वहाँ बहुत बड़ा पेड़ हैं, चबूतरे बने हुए हैं, जिनको लकुआ हो गया है उन लोगों को उनके परिजन लेकर के जाते हैं, चबूतरे पर लिटा दें, बिस्तर पर लिटा दें, चारपाई पर लिटा दें, उनकी जहाँ जैसे भी, और उनके आसपास दाना बिखेर देते हैं, और कबूतर आते हैं दाना खा करके जाते हैं, उड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनके आने जाने से, पंख फड़फड़ाने से निकलने वाली हवा उनके उस लकुए नाम के रोग को दूर कर देती है, इसलिए मैं कबूतर को दाना डालता हूँ और अपने पोते को अंगुली पकड़ करके ले जाता हूँ, मेरे दादाजी ले जाते थे इसलिए मैं डालता हूँ, तो मैं भी अपने पोते को पकड़ के ले जाता हूँ। ये यज्ञ क्यों करें का उदाहरण है, दृष्ट प्रयोग। ऐसे बहुत सारे कार्य जिनको हम करते हैं, परंपरा से करते चले आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने, फिर एक वाक्य कह रहा हूं, जो शहरी परिवेश के हैं, इन सारी परंपराओं को ढकोसला कह करके ये कह दिया, बेकारी बातें हैं, क्या मतलब है इनका? देखो एक बात समझो, परंपरा बहुत अच्छा विज्ञान है, बहुत अच्छी वस्तु है, उसको उसी दर्शन के साथ उसी दृष्टि से समझने का प्रयत्न कीजिए, आपको लगेगा कि मेरे दादा ने, मेरे ऋषि मुनियों ने जिन परंपराओं को प्रचलित किया है उनको ऐसे ही प्रचलित नहीं किया है। ये हो सकता है आज आपकी प्रयोगशाला में कहीं घी सामग्री संविदा का अनुपात बिगड़ जाने पर, देवी यज्ञ करने पर प्रदूषण अधिक हो जाता हो, लेकिन मेरे ऋषि की प्रयोगशाला में, जिस प्रयोगशाला में उन्होंने दैनिक यज्ञ का ही नहीं पंच महायज्ञों का प्रयोग किया था, उस प्रयोगशाला में न्यूनता नाम की चीज कहीं नहीं हो सकती। शर्त इतनी है कि उसको समझ लीजिए। और अंतिम वाक्य अपनी बात का, भोजन करने से भूख बुझ जाती है, सारी दुनिया मानती है, कोई ऐसा भी है क्या जो मेरा साथ देने वाला हो और मैं कहता हूँ भोजन करने से भूख नहीं बुझती? कोई है क्या मेरा साथ देने वाला? कोई नहीं है, एक तो आज ये इनका नाम लिख लो भैया, पाँच दिन तक इनको भोजन कराने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति तो कम से कम मिलेगा ना अपन को। चलिए, भोजन करने से भूख बुझ जाती है ये सच बात है, पर मेरे कहने से मेरी भूख बुझ जाती है, आपके सुनने से आपकी बुझ जाती है, ये गलत बात है। भोजन जो करता है उसकी भूख बुझ जाती है। यज्ञ से क्या लाभ होता है, क्यों लाभ होता है, ये सुनने से नहीं होता, सुनाने से भी नहीं होता, करने से होता है। यज्ञ के कितने लाभ हैं, कोई भी एक लाभ जिसको आप चाहते हैं कि मैं देख लूं, आप जिस दिन अपनी सामग्री समिधा से, अपने समय से, अपने घर में, अपने परिजनों के साथ बैठ करके कर लेंगे, उस दिन आपको यज्ञ का क्यों और क्या का लाभ समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने समय के साथ की, आपने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।